हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है मेरे से यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज मैंने बनाई है प्याज टमाटर हरी मिर्च की चटनी। बहुत ही सिंपल सी और जल्दी से बनने वाली चटनी है ये। अगर आपका सब्जी खाने का मन नहीं है तो आप इसको झटपट बनाकर अपने घर पर आसानी से बनाकर खा सकते हैं। इसमें कोई ज़्यादा सामान की जरूरत नहीं है, सिर्फ मैंने इसके अंदर प्याज डाला है, टमाटर है और हरी मिर्चें हैं, वो जो झटपट बना सकते हैं आप उसको अपने घर पर आसानी से। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि टमाटर की चटनी कैसे बनाई जाती है। जिसके लिए मैंने यहाँ पर लिए हैं 3 टमाटर, ये लाल वाले और पक्के टमाटर हैं, ताज़ा फ्रेश। और यहाँ पर लिए मैंने 4 से 5 छोटे छोटे प्याज, देखिए, और 4 मैंने यहाँ पर हरी मिर्च ली है। सबसे पहले हम अपने टमाटरों को गैस के ऊपर भूनेंगे। देखिए, हमने इस तरह से टमाटर को लेके और इस तरह से फोक इसके अंदर लगा के, देखिए इस तरह से लग गया है, और गैस के ऊपर इसको रख देंगे। और फोक को हम इस तरह से घुमाते रहेंगे ताकि इसको जो छिलका है, देखिए इस तरह से निकलना शुरू हो चुका है। हमने टमाटर को चारों तरफ से अच्छी तरह से भूनना है। देखिए फ्रेंड्स, देखिए मेरे जो टमाटर हैं बहुत अच्छे से भून हो गए हैं, पर ये अभी गर्म है, इनको हम बिल्कुल भी नहीं छेड़ना। जब तक ही हमारे टमाटर हैं ठंडे होंगे तब तक हम अपने प्याज और मिर्च को बारीक काट लेते हैं। यहाँ पर मैंने अपने प्याज को बारीक काट लिया है और जो हरी मिर्ची हैं उनको भी मैंने बारीक चॉप कर लिया है। और उधर हमारे जो टमाटर हैं वो भी ठंडे हो गए हैं, देखिए ठंडे हो चुके हैं। अब इनके ऊपर से हम जो छिलका है वो उतार देंगे। अब हमने टमाटर को चक्कू की सतह से इस तरह से काट लेंगे और ये जो इसके यहाँ का जो डंठल है वो निकाल लेना है। देखिए, हम इसके 2-2 पीस कर लिए हैं और जो हमारा टमाटर वो नरम हो चुका है, इसको हमने अच्छी तरह से हाथ की सहायता से मैश कर लेंगे। जब आप टमाटर को गैस के ऊपर भूनोगे तो टमाटर हमारे नरम पड़ जाएंगे और आसानी से इस तरह से मैश हो जाएंगे। जो मैश करे टमाटर हैं उनको हम एक बाउल में डाल लेते हैं। इन टमाटरों के ऊपर अब हम डालेंगे ये बारीक कटे हुए प्याज। बारीक कटी हुई हरी मिर्च। हरी मिर्च डालने के बाद हम इसके अंदर डालेंगे ये आधा से थोड़ा सा ज़्यादा नमक है, 1/2 चम्मच से नमक। नमक आप कम ज़्यादा कर सकते हैं अपने स्वाद के अनुसार। थोड़ा सा चाट मसाला, और इन सब चीज़ों को डालकर हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। तो देखिए, हमारी टमाटर की चटनी है वो बनकर बिल्कुल तैयार है। तो गाइस, आपको मेरी प्याज और टमाटर चटनी बनके रेडी तैयार हो चुकी है। तो आपको मेरी चटनी की वीडियो कैसी लगी है अपने कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं। मेरी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।